सो दोस्तों, ये है मेरी रॉटवाइलर जेनी। ये अभी 6 मंथ की ओल्ड है। इनकी जो डिवर्मिंग मैं करता हूँ, हर महीने की 1 तारीख को मैं उनकी डिवर्मिंग करता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने पास कोई पपी है तो आप पपी के लिए डिवर्मिंग अलग से आते हैं, लिक्विड फॉर्म पे आते हैं पपी के जो डिवर्मिंग की दवाई है। ये अभी 6 मंथ की बात, अगर आपके पपी हो जाए तो आप उसे डिवर्मिंग की दवाई आते हैं। मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। इजीपेट के नाम पे आते हैं डिवर्मिंग की दवाई। ये आपकी डॉग के लिए, अगर आपकी डॉग 6 महीने के बाद हो गई तो आप इसे 10 kg बॉडी वेट पे एक टैबलेट दीजिए। मैं उनको अभी पहला टाइम ये दिया है, फर्स्ट टाइम उनको दिया है। इसका पहले मैं उनको जो डिवर्मिंग की दवाई लिक्विड फॉर्म पे आते है वो दे रहा था। दोस्तों, मैंने कब वैसे यूज कर रहा हूँ मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, मैं जब उनको रात में खाना देता हूँ उसके बाद उनको बाहर लेता हूँ, बाहर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही सुसु पट्टी डन हो जाते है, वापस घर में आने के बाद मैं उनको ऐसे डिवर्मिंग की ये जो दवाई है जीपेट के नाम पे, देखिए ये जीपेट के नाम पे आता है डिवर्मिंग की दवाई। मैंने उसकी बॉडी वेट नाप लिया। जब भी आप अपने डॉग को डिवर्मिंग की दवाई देते हो, सबसे पहले आप उनकी जो बॉडी वेट मापने की ज़रूरत है। इसका फायदा होगा कि आपको ज़्यादा कितना डोज देना है आपको पता चल जाएगी। अगर आपकी डॉग 20 kg के है तो आप उन्हें दोनों टैबलेट दीजिए। अगर आपकी डॉग अभी 10 kg का है, ऐसे स्मॉल साइज की डॉग है तो आपकी डॉग, तो आप इसे 1 टैबलेट दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ये अभी खेलने के लिए मूड है उनकी, इतना खेल रही है, देखिए। दोस्तों, डिवर्मिंग डॉग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे उनको डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो कितने भी महंगा फूड दीजिए उनको कोई काम नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप टाइम टू टाइम, मैंने हर महीने की 1 तारीख को उनको डिवर्मिंग करता हूँ। कैसे सो रही हो, देख। आप भी ऐसे ही कोई बुक पे नोट कर लीजिए कब आप डिवर्मिंग करते हैं, उसका डेट नोट करने के बाद आप जब डिवर्मिंग करते हो, टाइम टू टाइम डिवर्मिंग करना जरूरी है। और आपके पास ऐसे ही डॉबरमैन या रॉटवाइलर ऐसे लार्ज ब्रीड है तो आप उसे कैल्शियम मल्टीविटामिन भी उसका साथ ज़रूरी है देने की, क्योंकि लार्ज ब्रीड की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए उनकी जो कैल्शियम, अगर आप सही टाइम पे उनको मल्टीविटामिन नहीं देंगे, बैलेंस डाइट नहीं देंगे, तो उनकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो आप उनको टाइम टू टाइम मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सारे चीज़ देने के साथ आप टाइम टू टाइम डिवर्मिंग भी करना ज़रूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आएंगे, मैं एक उनके खाने के लिए जो स्टैंड होता है बाउल रखने के लिए वो बनाऊंगा। उसकी वीडियो में मैं चैनल में डालूंगा। अगर आप कभी भी अपने डॉग को से खाने देते हो, उसे बाउल उनका नीचे नहीं रखना चाहिए, आप स्टैंड नहीं खरीदना चाहते हो तो आप इसे हाथ में से, नहीं तो कोई सीढ़ी की ऐसे ऊंचे जगह पे उनको रख के उनकी बाउल रख दीजिए, वो खाएंगे। इसे नीचे देने से उनकी हाइट की ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं एक वेल्डिंग शॉप पे जाके एक बाउल के लिए स्टैंड बनाऊंगी, इसका वीडियो भी बाद में आएंगे चैनल में। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।